विश्व के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक मर्डेका कप का आयोजन एक दशक के बाद होने जा रहा है और अच्छी बात यह है कि भारत की फुटबॉल टीम इसमें हिस्सा ले रही है। चार देशों के बीच ये टूर्नामेंट खेला जाना है और इसमें भारत की टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में किससे होने जा रहा है आज बताऊंगा और साथ ही मर्डेका कप से जुड़ी कुछ अन्य बातें भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। लगभग एक दशक के बाद फुटबॉल का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मर्डेका कप 2023 में होने जा रहा है। आपको बता दूं कि आखिरी बार मर्डेका कप जो है वो 2013 में हुआ था और अब 10 सालों के बाद इस साल अक्टूबर महीने में मर्डेका कप फिर से खेला जाएगा और इसमें चार देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चार देश कौन कौन है? एक तो मेजबान मलेशिया है, दूसरा भारत है, तीसरा लेबनान है और चौथा फिलिस्तीन की टीम है। इन चार देशों के बीच जो है नॉकआउट आधार पर मुकाबले खेले जाएंगे। अब चूंकि चार ही टीमें हैं इसलिए मुकाबला जो है वो सेमीफाइनल से ही शुरू होने जा रहा है और आपको बता दूं कि सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जो है वो मलेशिया से होने वाला है, मेजबान मलेशिया से। आपको जहां तक भारत और मलेशिया के बीच फुटबॉल की बात करूं तो मलेशिया से भारत आखिरी बार जो है वो 2011 में खेला था एक फ्रेंडली मैच में और तब भारत ने मलेशिया को 3-2 से पराजित किया था। जहां तक मर्डेका कप का सवाल है, भारत इसका दो बार उपविजेता भी रहा है, 1959 और 1961 में। अब तक 41 मर्डेका कप का आयोजन हो चुका है जिसमें भारत ने 17 बार पार्टिसिपेट किया है, तो ये 18वां अवसर होगा जब भारत की फुटबॉल टीम मर्डेका कप में खेलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला सेमीफाइनल भारत और मेजबान मलेशिया के बीच 13 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को ही दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा फिलिस्तीन और लेबनान के बीच। अब अगर इन चार टीमों की बात कर लें तो जो दो टीमें सेमीफाइनल में जीतेंगी उनके बीच 17 अक्टूबर को फाइनल होगा और जो दो टीमें सेमीफाइनल में हारेंगी उनके लिए तीसरे स्थान के लिए वो दो टीमें आपस में भिड़ेंगी। अब अगर इन चार टीमों की हम बात करें तो और उनकी रैंकिंग की बात करें, फीफा रैंकिंग की बात करें, तो फिलिस्तीन की रैंकिंग जो है वो इन सब में सबसे अच्छी है और उनकी जो रैंकिंग है वो 96 है, 96। भारत की रैंकिंग उसके बाद है 99, उसके बाद लेबनान की रैंकिंग है 100 और उसके बाद मलेशिया की रैंकिंग है 136। तो जो तीन टीमें हैं फिलिस्तीन, लेबनान और भारत की अगर हम बात करें तो इनकी रैंकिंग बहुत आसपास है और मलेशिया 136वें रैंक पर है। और चूंकि खास बात यह है कि मर्डेका कप जो है वो फीफा के इंटरनेशनल ब्रैकेट में हो रहा है, उसके विंडो में हो रहा है, तो इसमें हार जीत का फर्क जो है वो रैंकिंग पर भी पड़ेगा क्योंकि अंक पर पड़ेगा और जब अंक पर पड़ेगा तो टीमें इतनी एक दूसरे से नजदीक है, कोई 96 है, कोई 99 है, कोई 100 पर है, तो हार जीत से जो है वो अंक बदलेंगे तो रैंकिंग भी बदल सकती है। तो इस हिसाब से मर्डेका कप जो है वो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है कि ब्लू टाइगर्स जो है वो मर्डेका कप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम को हमारी शुभकामनाएं और आपके लिए सूचना ये कि भारत जो है मर्डेका कप के सेमीफाइनल में मलेशिया से खेलेगा और ये मुकाबला मलेशिया में कुआलालंपुर में होगा और 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।